हमारे थिएटर के नए लेखक हैं, दीपक बापू। ये आप लोगों को चोरों और बदमाशों की कहानी क्यों सोचती है? क्या जिंदगी में कभी आपको कोई अच्छा इंसान नजर नहीं आता? चोर और बदमाश कोई माँ के पेट से तो नहीं पैदा होते, हो सकता है हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया हो। हालात? माफ कीजिएगा दीपक बाबू, वो इंसान ही क्या जो हालात से दबकर बुरा बन जाए। अच्छा इंसान तो वही होता है जो बुरे हालात में रहकर भी अच्छा रहे। नजर आने वाले फूल तो मुरझा जाते हैं माला जी, लेकिन आत्मा की डाली पर खिले हुए प्यार के फूल कभी नहीं मुरझाते। आपने मुझे क्या कुछ नहीं दिया, और मेरे पास आपको देने के लिए? माला जी, मैं कोई भिखारी नहीं जो अपनी मोहब्बत का प्याला लिए दर दर की भीख मांगता फिरूं। मैं तो वो पुजारी हूं जिसने अपनी जिंदगी के सारे फूल एक देवी पर निछावर कर दिए। जिस दीपक की कविताएं आप पढ़ते रहे हैं, गुजरे हुए जमाने की तरह वो खत्म हो चुका है। प्यार ने इस नए दीपक को जन्म दिया है। मैं तो एक मामूली सा आदमी हूं, आप लोगों से कहीं छोटा। आप जिसे दीपक समझकर यह खत देना चाहती हैं, वो दीपक नहीं बल्कि पुलिस से भागा हुआ शामू चोर। मैंने तय कर लिया है, अब मैं एक शरीफ आदमी बनूंगा, ऐसे नहीं जाने देगा। कौन है वो देवी जिसके प्यार में इतनी ताकत है कि एक भटका हुआ इंसान फरिश्ता बन गया? शामु देवता है। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम्हारे लिए उसने मेरी करोड़ों की जायदाद पर ठोकर मार दी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे ये बंधे हाथ आपके सामने हाजिर है, लगाइए हथकड़ी। जो हाथ मोहब्बत की हथकड़ी से बंधे हों, उन्हें लोहे की हथकड़ी की जरूरत नहीं।